सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आइसक्रीम 8 से रिलेटेड हम पहली थ्योरी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो भाई, इसमें हम लोग देख सकते हैं जो प्ले स्टोर पर है ना, आइसक्रीम गेम के साथ ही कुछ हमें नए स्नीक पिक देखने को मिले हैं भाई, जिसका हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यस, एंड पहली जो पिक जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें हम लोग देख सकते हैं चार्ली है और उसके पीछे भाई ईवल नन भाग रही है अपना खतरनाक सा हैमर लेके। एंड आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इस हैमर पर ब्लड भी लगा हुआ है, यानी वो ऑलरेडी अपने जो ईवलन का स्कूल है वहाँ पे कांड करके आ रही है। एंड यहाँ पे बहुत ही गुस्से में ईवलन हमको दिख रही है, क्योंकि इसकी जो आँखें हैं वो भी एकदम मतलब चमक रही हैं लाल लाल। सोचो भाई, कॉटेज वाला जो एरिया है वो वैसे भी इतना डार्कनेस में रहता है, एंड वहाँ पर ईवलन अगर डोलेगी भाई, कितनी स्पूकी लगेगी, कितनी क्रीपी लगेगी ये। एंड इसी के साथ मैंने आज से काफ़ी टाइम पहले भाई एक थ्योरी वीडियो में बोला था कि जो फैक्ट्री के बाहर का जितना भी एरिया है, जो कि कॉटेज एरिया भी है, उसको शायद ईवल नन गार्ड करेगी, या फिर ईवल नन हमको उस एरिया में देखने को मिलेगी। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो, मतलब आप लोग मेरी वीडियो को फॉलो करते हो, जो लोग फॉलो करते हैं ना, उनको ये चीज़ पता होगी कि मैंने अपनी काफ़ी थ्योरी वीडियोस में ये बात बोली है। एंड ये चीज़ अब प्रूव हो रही है कि ईवल नन हमको देखने को मिलेगी, एंड रॉड की तरह भाई ये भी गेम में होगी, सिर्फ कटसीन में नहीं होगी, ईवल नन भी गेम में होगी। तो भाई काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है। एंड यहाँ पर ईवल नन का जो मेन वेपन होगा ना, वो भाई उसका वही आइकॉनिक हैमर, बड़ा सा, ठीक है। तो ये हैमर को लेके ईवल नन हमारे पीछे पड़ने वाली है। एंड आई थिंक ये कॉटेज के आसपास इसलिए है क्योंकि ये कॉटेज में वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, या फिर वो सीक्रेट वाली बुक जो इसने रॉड को बचपन में दी थी ना एक कटसीन में, यस, वो बुक लेने के लिए आई है, या फिर उसे ढूंढने के लिए आई है मे बी। भाई जो भी है, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अभी और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो यस, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब गेमर स्टेट, एंड जल्दी से जल्दी भाई 7000 सब्सक्राइबर तो करा ही दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।